हे यूट्यूब, व्हाट्सअप, क्या हाल है भाई लोग। सो भाई, आज मैं यार बहुत ज़्यादा अच्छी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसकी मेरे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी और बहुत से आप लोगों ने मेरे को बोला था कि यार इस पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ, कि मतलब इसकी तो खासकर जो बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी। और स्पेशली मेरे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है ऑल डाउनलोड्स करके हैं, तो उन्होंने भी स्पेशली कहा था कि भाई यार प्लीज़ मैं तेरी सारी वीडियोस देखता हूँ, इस पे भी प्लीज़ वीडियो बना। सो समझ लो आपके लिए है भाई वीडियो। तो इसमें वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने PS4 गेम्स को मॉड वगैरह कर सकते हो और ट्रेनर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो। सो मैं एक चीज़ और आपको छोटा सा क्लियर कर दूँ कि ये वाली जो वीडियो है, अभी हम ये ट्रेनर पर बना रहे हैं। ट्रेनर मतलब वही होता है, वैसे मॉड ही होता है, लेकिन मॉड थोड़ा सा ये हो गया। जैसे मान लो ट्रेनर का मतलब बेसिकली ये समझ लो कि जो इन गेम फिजिक्स होती है आपकी, उसको ये चेंज करता है। मान लो जैसे आपकी कोई, आप शूटर गेम खेल रहे हो, तो उसके अंदर जैसे मान लो बुलेट्स है, तो इन्फिनाइट बुलेट्स कर सकते हो, इन्फिनाइट हेल्थ कर सकते हो, और मतलब चीज़ें आई इन्फिनाइट आइटम्स कर सकते हो, मतलब और भी जो जो चीज़ें होती हैं मतलब अनलॉक इसके अंदर कर सकते हो। सो ये सब चीज़ें होती हैं मतलब, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है जैसे मान लो और मॉडिंग GTA 5 की वीडियोस में होता है कि जैसे वो मान लो मतलब फ्रैंकलिन को मोदी जी बना देगा, फ्रैंकलिन को आयरन मैन बना देगा, सुपरमैन बना देगा, वो वाला नहीं होगा। इसमें ये है कि मान लो फ्रैंकलिन को आप मान लो के कपड़े बदल सकते हो, या फिर मान लो कोई आपको जो गाड़ी चाहिए वो स्पॉन करा सकते हो। तो मतलब ये ट्रेनर मेन्यू है और इसके अंदर आपको सारी ही मतलब गेम्स के मिल जाएंगे। आप देख सकते हो कितनी सारी गेम्स के हैं, मतलब लिटरली मतलब समझ लो सारी जितनी भी अभी तक अवेलेबल गेम्स हैं मतलब PS4 के लिए, उतने उसके लिए है। GTA 5 हो गया, अनचार्टेड हो गया, मतलब यार समझ लो जो जो गेम्स के मैं करना चाहता था वो तो इसमें है ही है, जो गेम के मैं नहीं भी करना चाहता था वो भी, मतलब जो गेम के मैं मतलब मान लो पहले मैं एंड भी कर चुका हूँ उनके भी पड़े हुए हैं। तो वही चीज़ है यार कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और अगर मैं बात करूं भाई हम इंडियंस की, तो हम तो यार ऐसे लोग होते हैं कि हमें बिना मसाले के सब्जी भी पसंद नहीं आती, मतलब मसाला, वी लव मसाला। सो दिस थिंग इज़ मतलब आपके मतलब नॉर्मल गेमिंग में आप ये मसाला डाल सकते हो और इसकी मदद से आप मतलब कुछ भी पंगे कर सकते हो। और तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने ब्राउज़र की तरफ जाना है, ब्राउज़र स्ट्रिंग में जाना है, और ये जो है जितना भी है यहाँ राइट क्लिक करके जितना भी है सब आपको क्लीन कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है और अपना ये डिलीट कुकी, ओके, डिलीट वेब कैफे, ओके, और बस ठीक है, ऐसे आपका ब्राउज़र क्लीन हो जाएगा। सबसे पहले हमें अपने ब्राउज़र में जाना है, टाइप करना है यहाँ पे, हमने ब्राउज़र में जाना है, टाइप करना है H, और ये है ना nightking.host.com, ये सेम ऐसा का ऐसा ही आपको, एक सेकेंड, ठीक है जी, ये सेम डाल देना है और बस हमें ये ऐसे कर देना है यहाँ से। अब ये देख सकते हो आप यहाँ पे ये जो लिखा है ना न्यू एक्सप्लॉइट है मेन्यू, ये न्यू वाला मेन्यू जो हमें है ये कैश करवाना है इसके अंदर। एक सेकेंड भाई, तू कहाँ से खुल गया यार, ये देखो ये न्यू वाला है ना, न्यू वाला इसमें अब ये कैश करवाना है। तो आप ये देख सकते हो कि ये कैश होना शुरू हो गया है। तो इसको इंस्टॉल होने देंगे हम, ये देख सकते हो ये इंस्टॉल हो रहा है अच्छे से, 42%। और भाई यार वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक करो और सब्सक्राइब भी ज़रूर ठोको भाई दबा के। तो आप ये देख सकते हो कि हमारी ये जो साइट है ये कैश हो चुकी है। अभी इंटरनेट बंद नहीं करेंगे, वरना ही वैसे ये कैश हो चुकी है तो अब ये बिना इंटरनेट के भी चल जाएगी, ये बता रहा है। तो इसको लेकिन अभी हम क्या कुछ और भी हमें काम करना है, इसको हम एकदम से भी इंटरनेट नहीं बंद कर सकते, हमें एक चीज़ और इसमें कैश करनी है, ठीक है। तो ये वाला मेन्यू तो हो गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और एक नया हमें एक चीज़ और हमें इसमें लोड करनी है, नाम होगा http:caro.ir। ये वाला जो है ये एकदम आपको ऐसे ही जैसे जैसे मैं डाल रहा हूँ वैसे ही सेम आपको डाल करके बस ये एंटर कर देना है। और यहाँ हमें जाना है,
ये देख सकते हो, ये वाला जो ऊपर वाला है इस पे हम क्लिक कर देना है हमें, और एक बार इसको लोड होने देते हैं। एक मिनट में बैग जाते हैं, एक सेकेंड एल्बम से। तो ये देख सकते हो कि एक बार जैसे ही आप इस पे आओगे तो ये ऐसे खुल जाएगा। इसको हमें लोड होने देना है। और जब तक आपकी ये सारे आइकन ना आते हैं और जब तक एकदम इस तरीके से नहीं आता, तब तक आपको इसको कैश नहीं करवाना है। तो जब ये आ जाए तभी आपको इसको कैश करना है। तो देख सकते हो हमारे इसमें सारे आइकन आ चुके हैं अपने आप ही। तो जैसे मैंने पहले मैंने करा था तो पहले नहीं हुआ था, लेकिन इस बार करा है तो आ गया ये सारे आइकन, ये लोड हो गया एकदम से। तो इसी तरीके से ही लोड करना है इनको। तो ये करने में थोड़ा सा होने में टाइम लेगा, लेकिन ये हो जाएगा। और इसमें आप देख सकते हो कितने सारे मतलब ट्रेनर हैं, इसमें सारे ही ट्रेनर आपको मिल जाएंगे जितने भी हैं। मतलब अधिकतर यार जो जो गेम्स मैंने मेरे को खेलनी है उसके तो है ही हैं, और मान लो जो गेम मैं पहले खेल चुका हूँ उनके भी पड़े हुए हैं इसमें। सो मैं वो गेम्स भी अब दोबारा खेल के ट्राई कर सकता हूँ कि भाई क्या एक्सपीरियंस है ट्रेनर वगैरह के साथ। सो ये देख सकते हो काफ़ी बड़ी मतलब इसमें पूरी अधिकतर आपको सारी ही गेम ही मिल जाएंगी इसके अंदर। सो थोड़ा सा ये टाइम ले लेगा। और जो मेरे मोबाइल यूज़र्स हैं उनको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये क्या बोलते हैं, इसमें इतना ज़्यादा नेट नहीं लेगा। ये स्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारी फाइल्स हैं ये। अगर आपके नेट अगर मैं बात करूं तो मुश्किल से मुश्किल 30 या 40 MB ही लेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लेगा ये। तो इसको कैशे होने दें आप, और इस चीज़ की बात बिल्कुल आप टेंशन ना लें कि ये कुछ ज़्यादा मतलब वो लेगा, ज़्यादा कुछ टाइम लगा देगा मतलब, या ज़्यादा वो नहीं, टाइम तो खैर लगाएगा ही थोड़ा सा मतलब ज़्यादा, लेकिन डेटा यूज़ नहीं करेगा आपका। मुश्किल से मुश्किल 40-50 MB में आपका काम कर देगा ये। बस ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। तो मिलते हैं फिर इसको होने के बाद, क्योंकि ये थोड़ा सा भाई टाइम लेने वाला है, तो इसको होने देते हैं हम। सो ये देख सकते हो भाई ये 92% हो गया, मतलब मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगे होंगे और ये मतलब बस हो ही गया है समझ लो। तो ज़्यादा ऐसे टाइम तो नहीं लगेगा मतलब, लेकिन ये थोड़ा सा आप मान लो 5 से 10 मिनट लेगा कम से कम ये होने में, क्योंकि आप देख सकते हो यार काफ़ी सारी फाइल्स हैं इसके अंदर। मतलब एक आध फाइल हो तो कोई वो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी फाइल्स हैं। और मतलब है कि मतलब, लेकिन ये अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये तो बहुत छोटी सी फाइल है तो इतना टाइम क्यों लग रहा है। सो भाई मैं आपको बता दूं कि अलग अलग ट्रेनर्स हैं इसके अंदर, और बहुत सारे ट्रेनर हैं अलग अलग वर्जन के सेम गेम के। तो मतलब वो बहुत अलग अलग फाइल्स होती हैं, तो कुछ उसकी वजह से भी कह लो, और कुछ हो सकता है इनके सर्वर भी हो सकता है स्लो हो या कुछ हो, लेकिन है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लगेगा, 5-10 मिनट में हो जाएगा। सो आप ये देख सकते हो कि हमारा ये 99% कम्प्लीट हो गया, बस होने ही वाला है। लेकिन एकदम से भागना नहीं है, थोड़ा रुक जाओ। तो ये देख सकते हो कैश सक्सेसफुल आ गया। अब ये बोल रहा है कि क्लिक ऑन द होस्ट लिंक्स, अब ये सब आप छोड़ दो। अब ये अब बता रहा है कि आप बिना इसके नेट आप बंद कर सकते हो। तो हम इसमें अपना सिंपली जाएंगे, नेटवर्क की तरफ जाएंगे और अपना इंटरनेट कनेक्शन बंद कर देंगे, ठीक है जी। और जो आपको आप मान लो, अगर सबसे पहले आपको हैंड तो अनेबल करना ही है। सो हम जो हमने दोनों चीज़ें हम डाली हैं उसकी तरफ हम जाते हैं, क्लोज इसको कर देंगे। ये हमारा ट्रेनर है इसको रहने देंगे, नाइट किंग होस्ट को भी रहने देंगे। सबसे पहले अपने नाइट किंग होस्ट में जाएंगे और अपना ये हैन अनेबल वगैरह अगर आपने नहीं करा है तो हैन अनेबल कर लेंगे। और डिसेबल अपडेट्स का मैं बता दूं कि यार जो नए नए अभी यूज़र हैं तो उनको भाई ज़रूर से ज़रूर मैं आपको बोलूँगा कि डिसेबल अपडेट्स वाला जो है ये ज़रूर यूज़ करना है। अगर आप मान लो अभी आपने रिसेंटली जेल ब्रेक करा है अपना, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे क्या होता है आपका सिस्टम जो है अपडेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने बहुत से यार ऐसे सुने हैं कि लोग मतलब
जेल ब्रेक तो उनका हो गया था, परफेक्ट सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसे ही एक उनकी फाइल डाउनलोड हो गई और उनका सिस्टम अपडेट हो गया, और बस अब आपको पता ही है कि फिर क्या होता है उसके बाद। सो उसके बाद क्या बोलते हैं उनका मतलब, अब वो समझ लो जेन वन सेट हो गया, मतलब वो जो अब ये करंट वाला वर्जन है इसको अब इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब वो जेल ब्रेक नहीं कर सकते, उनको जेल ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए ही जो अगर आप नए जेल ब्रेक आपने रिसेंटली करा है मेरी वीडियोज़ देख के या किसी और की भी वीडियोज़ देख के, तो आप ये कि डिसेबल अपडेट्स वाला पेलोड है एक बार ज़रूर रन करवा देंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो फर्मवेयर होगा वो अपडेट नहीं हो पाएगा, और ये कुछ ऐसा सेटिंग कर देगा जिससे फर्मवेयर अपडेट नहीं होगा अपने आप, और अगर डाउनलोड भी हो जाता है तो भी इंस्टॉल नहीं होगा। सो वो ये है कि ये एक बार रन करना होता है, ये बार बार रन नहीं करना होता। जब भी आप अपना सिस्टम जेल ब्रेक करें तो एक बार इसको ज़रूर कर दें, तो आपका जो है अपडेट्स के अंदर ये आपको कुछ सेटिंग फाइल वगैरह डाल देगा, जिससे क्या होगा आपका सिस्टम अपडेट नहीं हो पाएगा। तो भाई ये एक बोनस टिप है, ये ज़रूर याद रखना, ये वाला पेलोड जो नए यूज़र्स हैं 9.0 वगैरह के लिए या फिर कोई भी किसी भी जेल ब्रेक कर रहे हो, तो ये डिसेबल अपडेट ज़रूर करना है आपको, एक बार करके छोड़ देना, उसके बाद ज़रूरत नहीं है इसकी। और ये मतलब ऐसा नहीं कि आप जब जब ऑन करोगे तब तब करना पड़ेगा, ये सिर्फ एक बार आपको करना है और कोई दिक्कत नहीं। तो अपना ये हैन एनेबल मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मेरा पहले से हैन एनेबल है, तो आप अगर वीडियोस देख रहे हो तो आपको हैन एनेबल इस तरीके से यहाँ जा करके पेन ड्राइव लगा के हैन एनेबल कर देना है। उसके बाद जब आपका ये हैन एनेबल हो जाए, सिंपली हमें अपने पेज की तरफ जाना है, और क्या बोलते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा होगा आपने वेब RTE। अगर आप कोई और वेब पेज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये वाला जो आपका ये जो पेलोड है ये आपको चलाना है, ताकि आपकी गेम जो है वो रन कर सके वेब ट्रेनर के साथ। तो इसको हम लगाते हैं, इसको क्लिक करते हैं, तो अभी आ रहा है हमारा, प्लीज़ वेट, रुके थोड़ा सा। सो आपने भाई देखा कि कैसे वो आपका लोड हुआ, इस तरीके से ही आपको लोड कर लेना है। वो आने के बाद आपको बस ये अपना पेज क्लोज करना है, थोड़ा मैं पीछे नॉइस के लिए माफ़ी चाहूँगा। सिंपली हमें अपने जाना है, जो गेम आपको मॉड करनी है वो चलानी है। वैसे मेरे केस में मैं ब्लड बॉर्न इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि ये मेरी वन वर्जन 1.9 पे अपडेट है, तो इसको मैं मॉड करने वाला हूँ। सो ये हम इसको चला देते हैं। तो जैसे ही आपका वेब RTE ऑन हो जाए, मैसेज आ जाए, सब कुछ आ जाए, तो उसके बाद सीधा आपको अपना PS बटन दबा करके अपनी गेम चालू कर देनी है। और जैसे कि आप ये देख रहे हो मेरी गेम चालू हो गई, तो इसको पूरा प्लेएबल स्टेज तक लेके जाना है, एकदम यहाँ पे चालू नहीं करना है, प्लेएबल पूरी प्लेएबल स्टेज पे लेके जाएं इसको, उसके बाद ही आपको मतलब आगे का प्रोसेस करना है। ऐसे ना हो कि आप पहले ही मतलब मेन्यू उसके अंदर ही जा करके अनेबल कर दो, ऐसे नहीं करना, पूरा एक बार प्लेबल स्टेज पे जाना है। जैसे देख सकते हो पूरी गेम मैं अपनी लोड करवा रहा हूँ अच्छी तरीके से, और ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। खैर अच्छा, मतलब काफ़ी बढ़िया इन्होंने बनाया है अपना ये लोडिंग स्क्रीन वगैरह, काफ़ी अच्छी तरीके से जल्दी हो जाती है। वैसे तो देख सकते हो ये हमारा ये हो गया, मिनिमाइज करना है। जैसे आप देख सकते हो अभी हमारा ये पावर अभी हमारी जा रही है, मर भी रहे हैं। अब हम इसके अंदर अपने चीट्स अनेबल करेंगे। सिंपली ये अपने आप उस पे जाओगे, अपने पेजेस में जाओगे, और यहाँ पे आपका लिखा जो आपने कैश करवाया था ना, मैंने आपको PS4 ट्रेनर ऑफलाइन करके, उस पे आपको बस ये एंटर करना है। इसको होने देंगे, और ये आ गया हमारा PS4 ऑफलाइन ट्रेनर। इसमें हम जाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे एक चीज़। हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, सबसे पहले जब अपना ये पेज आप खोल लोगे, यहाँ लोकल होस्ट यहाँ पे लिखना है आपको, लोकल होस्ट, ठीक है जी, लोकल, एक सेकेंड, यहाँ लिख देना लोकल LOCAL HOST। ठीक है, ऐसे लोकल होस्ट करके टाइप कर देना है इस तरीके से,
और ये बस ये R2 दबा देना है। तो ये देख सकते हो ये हमारा, इस तरीके से आपको करने के बाद जो गेम आपको मतलब करनी है वो गेम आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो और स्क्रॉल करना चाहो स्क्रॉल भी कर सकते हो। तो मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से सर्च का हिसाब किताब होता है। एक्चुअली मैं अपनी साइड, तो यहाँ हम अपने सर्च बार पे जाएंगे, यहाँ अपना गेम का नाम लिखेंगे, ब्लड BLOO। तो देख सकते हो कि मैंने इतना सही टाइप करा और ऐसे ही मेरी आ चुकी है। तो इसमें देख सकते हो आप दो वर्जन है, एक ये आपका वर्जन 0.1.00 है जो मतलब एकदम बेस वर्जन होता है, और एक ये है 1.09 वाला जो अब सबसे लेटेस्ट है और जो मैं भी अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि अपने सेम वर्जन के हिसाब से लेना है। मैं वर्जन दिखा देता हूँ कैसे दिखते हैं। यहाँ पे अपनी गेम पे आप राइट क्लिक करोगे, इन्फॉर्मेशन में जाओगे, तो आप यहाँ ये देख सकते हो वर्जन 1.9 पे मेरी गेम अपडेटेड है। तो हमें वर्जन 1.09 वाला ही अनेबल करना है, वही चलेगा हमारा, उसके अलावा कोई नहीं चलेगा। अरे 1 सेकेंड, ये दोबारा डालना पड़ेगा यार। हाँ लेकिन आ ही जाएगा यहाँ लोकल। तो ये इस तरीके से लोकल होस्ट हमने डाला, ये रन कर दिया, और जो गेम आपको सेलेक्ट करनी है उसके यहाँ पे आप जाओगे, लिख दोगे यहाँ ब्लड, जो गेम आपको करनी है। से मैं अपने एग्जांपल के तौर पे ब्लड बॉर्न दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये यहाँ हमें बस अपना नाम डालना है। और ये देख सकते हो कि हमारी ये गेम आ चुकी है। तो आपने जैसे मैंने आपको दिखाया था कि वर्जन, आपने देखा था वर्जन आपका कौन सा है, तो यहाँ ये जो वी वर्जन 1.9 है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका बेस वर्जन 1.00 है तो यानी वे वी 0.0 मतलब बेस वर्जन होता है, और 0.01 मतलब होता है कि 1 पे अपडेटेड है। ठीक है, तो हमारा 1.09 है तो मतलब 9 वर्जन पे अपडेटेड है ये। इसका ये वर्जन, ये वाला जो हम सेम वर्जन ही हम इसमें सिलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे। और ये देख सकते हो आपको ये इस तरीके से अगर मिलता है तो इसका मतलब आप सिलेक्टेड, आपका मतलब अच्छी तरीके से आपका मतलब अटैच्ड है, और जो आप चाहो यहाँ पे अपना वो आप कर सकते हो। जैसे मेरे केस में मैं अपना ये एक तो हेल्थ तो मैं ज़रूर करूँगा क्योंकि ज़्यादा खतरनाक होता है, और एक इन्फिनाइट आइटम्स पे हम कर सकते हैं, और इन्फिनाइट स्टेमिना हम कर सकते हैं अनेबल, और बस सिंपल ये होने दें। और एक बार ये लेकिन सारे एक बार लोड होने दें अच्छे से, उसके बाद ही हम गेम पे जाएंगे अपनी। तो जा सकते हो हमारे ऐसे अनेबल करने के बाद PS बटन दबाएंगे, अपनी गेम की तरफ हम वापस जाएंगे, और हमारे अब ये देख सकते हो आप अनेबल हो चुके हैं। ये देखो हम बार बार हम चला रहे हैं, हमारा ये प्लेयर जो है मर नहीं रहा है, मतलब मर नहीं रहा है बोल रहा हूँ, मतलब बुलेट्स ख़त्म नहीं हो रही, इन्फिनाइट बुलेट्स हो गई हमारी। और अब हम देखते हैं कि हमारा वो कैसा काम कर रहा है, इन्फिनाइट हेल्थ कैसा काम कर रहा है। मैं थोड़ी मैं वॉइस कम कर देता हूँ, तो आप ये देख सकते हो हमारे इन्फिनाइट हेल्थ भी सही से काम कर रही है। ये देखो ये इसने हमें जलाया हमारा। यार वैसे तो इस गेम के बारे में स्पेशली मैं बताऊँ तो बहुत से लोग होंगे जिनको गेम पसंद होगी ये वाली, लेकिन खेल नहीं पाते होंगे वो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड गेम है। तो उन लोगों के लिए यार काफ़ी हेल्पफुल होगी ये गेम वीडियो, वो लोग काफ़ी मतलब ब्लड बॉर्न वाले तो स्पेशली उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप देख सकते हो हमारी इन्फिनाइट हेल्थ भी काम कर रही है, इन्फिनाइट आइटम्स भी है। देखो हम कुछ भी हम अपनी जैसे हेल्थ बार लेते हैं तो देखो ख़त्म नहीं हो गई है, और ये देखो हमारी शायद इन्फिनाइट स्टेमिना भी हमने एनेबल करा था आई थिंक। तो स्टेमिना एक बार भगा के भी देख सकते हैं, ये देखो आप इन्फिनाइट स्टेमिना भी हो रखा है इसमें, और कोई भी हमें मार रहा है तो पीट रहा है कुछ भी कर रहा है कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। भाई बस एक यही थी आज की हमारी वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने गेम अनेबल कर सकते हो, कैसे आप मतलब गेम्स ट्रेनर वगैरह अनेबल कर सकते हो। और इसमें यार अगर हम बात करें ना इस वाले ब्राउज़र के, मतलब ये जो हमने पेज लोड करवाया है इसके अंदर यार मतलब समझ लो लिटरली सारे ही हैं, मतलब इसके अंदर देख सकते हो कि अनचार्टेड हो गया आपका, आपको क्या बोलते हैं स्लीपिंग डॉग्स वगैरह हो गया आपका, ये रैचेट क्लैंक हो गया, सारे मतलब A to Z आपको इसके अंदर ट्रेनर मिल जाएंगे। हो सकता है कुछ नए गेम जो हैं जैसे मान लो कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ब्लैक ऑफ्स कोल्ड वॉर के शायद ना इसके अंदर हो, बाकी अधिकतर इसके अंदर है। मैंने देखा देखो आप जैसे तो रेड डेड रिडेम्पशन का भी है, Neo 2 का भी है, और मैंने इसमें माइल्स मोरेल्स का भी देखा था, देख सकते हो माइल्स मोरेल्स का भी है इसमें, साइबर पंक का भी है। ये चीज़ बस आपको ध्यान रखनी कि जो ये वर्जन है ना, ये वर्जन वर्जन ये बस आपका सेम होना चाहिए, और तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप बाकी खेल सकते हो। और ये कि इस वाली को आप अपडेट भी बार बार बाद में कर सकते हो इसको, बाकी अभी ये तो है मतलब जो नई गेम्स आएंगी उसके हिसाब से अपडेट भी होगा अभी ये, बाकी ये भी अभी मान लो काफ़ी लेटेस्ट ही है, इसको आप यूज़ करो। और अभी आप जैसे इसके अपडेट वर्जन में देख सकते हो कि 16/12/2021 में ये अपडेटेड है,
और मतलब इस तक मतलब जो गे जो जो गेम्स थी ये सब आ रखी हैं, और ये 9.0 पे भी कंपेटेबल है। सो यही थी भाई हमारी छोटी सी वीडियो। मैं आप अपने मतलब अपनी गेम्स लगाओ उसके अंदर, ऐसे ऐसे लोड करो और मज़े लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से आपको अपने जो है आपको अनेबल भी इस तरीके से ही हैक करना है। ऐसा नहीं कि वो है कि आपको बस वही जब भी अपना हैंड अनेबल करोगे वेब आरटीई पे जाना है। वेब आरटीई अनेबल करने के बाद आपको बस ये पेज खोलना है अपना ऑफलाइन वाला, और अपनी गेम लॉन्च करने के बाद अपना ऑफलाइन पेज में जा करके वही जैसे मैंने अपने चीट्स लगाए ऐसे आप चीट्स लगा के अपने गेम्स खेल सकते हो। सो यही थी भाई एक हमारी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब और शेयर करो, और अगर भाई मतलब भाई को समझ लो यार सपोर्ट की आपकी बहुत ज़रूरत है। और मैंने यार मतलब समझ लो मेरे लगाओ 100% में से सिर्फ 8% लोगों ने ही मेरे को सब्सक्राइब करा। 92% लोगों ने मेरे को मेरी वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सो यार प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो, मेरा चैनल कभी अभी बहुत बड़ा नहीं है, और मतलब आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मैं अपना कुछ आगे कर पाऊँगा और अपना जो है और कंटेंट अच्छा ला पाऊँगा। और जिन्होंने जिन्हों भी मेरे को सब्सक्राइब करा है उनके भाई बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आपका। और ऐसे ही बस प्यार बनाए रखो भाई, बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियोज़ और भी आने वाली हैं। सो थैंक यू, गुड बाय। We'll be right back.